हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पति की सारथी की यात्रा। जैसे आप थंबनेल से समझ गए होंगे, आज मैं आया हूँ गंगा बैराज ब्लॉक करने। यह है मध्य गंगा बैराज। जो बैराज है ये बिजनौर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी जो लंबाई है वो 500 मीटर है। मैं आपको दिखाऊं और आगे भी दिखाऊंगा आपको। इसमें 28 गेट्स हैं। अगर आपको पानी का फ्लो दिखाऊं तो आपको नीचे दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, मेरे पीछे आप ये स्टैचू देख पा रहे हैं, ये चौधरी चरण सिंह की स्टैचू है और इसी बैराज को चौधरी चरण सिंह बैराज भी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप वो देख पा रहे हैं तो वो है सामने गंगा घाट। यहाँ लोग आकर स्नान करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये है यहाँ का बिजनौर का स्नान घाट। दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं, ये आ गए हम गंगा बैराज के बीच में। ये सब गेट्स हैं और मैं हूँ बोट में इस समय। और पानी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इस बैराज को सन 1984 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। उससे पहले जो लोग थे वो विंटर्स में जब पानी का लेवल कम होता था तो नाव के थ्रू रास्ता पार करते थे। तो ये गंगा बैराज का पिछला हिस्सा है। आप यहाँ पे गेट देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाऊं पानी का लेवल। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, यहाँ पीछे, ये मेरे पीछे, यहाँ मध्य गंगा बैराज का गेस्ट हाउस है। यहाँ पॉलिटिशियंस और जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं केवल उन्हें ही रुकने की अनुमति है। और बाकी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ लिखा हुआ है। दोस्तों, ये सब लॉन पार्क एरिया है यहाँ का और वो आपको पीछे दिख रहा होगा, सामने में फिंगर के पास रेड रेड सा, वो यहाँ का गेस्ट हाउस है। और ये पीछे यहाँ सब में गंगा है। फ्रेंड्स, आपने अभी व्यू देखा गंगा बैराज का बिजनौर की तरफ से। अब मैं आपको लेकर चलूँगा बैराज के दूसरे वाले कोने पर जो मुजफ्फरनगर साइड लगता है, और आइए चलते हैं वहाँ। मैं भी आ गया हूँ पुल के ऊपर। और ये पुल के ऊपर जो रोड है ये दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे 119 है। मैं अभी पुल के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ। यह है गेट नंबर 14, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। और इस पुल पर कुल 28 गेट हैं। ये रास्ता जो जाता है मेरठ और दिल्ली, और ये रास्ता जो जाता है ये जाता है बिजनौर नजदेबाद कोटद्वार और पौड़ी की तरफ। और ये आप मेरे पीछे देखिए गंगा का व्यू, कितनी विशालता है गंगा है। और ये जो टर्न है ये अप्रोक्सीमेट 500 मीटर लंबा ब्रिज है हमारा।
फ्रेंड्स, ये बैराज का बैक साइड है। आप वहाँ वाटर लेवल देखिए, वाटर लेवल गेट के बाद अगर आपको दिख रहा होगा मेरे फिंगर पे, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो पुल का जो ये वाला हिस्सा है, ये सामने नहर जा रही है, ये मुजफ्फरनगर एरिया में लगता है सारा। और पुल का वो जो सामने मेरे फिंगर के सामने जो हिस्सा है वो बिजनौर में लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ, बिजनौर का जो गेस्ट हाउस है जिसकी मैं बात कर रहा था, आपको बता रहा था, वो सामने है वहाँ। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है, गंगा का पानी का जो स्रोत है वो गौमुख ग्लेशियर है। गौमुख ग्लेशियर के बाद गंगा का पानी गंगोत्री आता है। गंगोत्री वही स्थान है जहां राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए हजारों साल तप किया और गंगा जी को धरती पर लाए। उसके बाद भगीरथी वहां से निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी के रूप में मिलती है। वहां से आगे गंगा के रूप में ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए हमारे गंगा बैराज बिजनौर पर निकल जाती है। फिर यहां से ये आगे बनारस और उसके बाद आगे आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। दोस्तों, यहीं से एक नहर कट रही है, मैं आपको दिखाऊं, ये नहर के लिए जा रहा है पानी। ये इसका गेट है। तो ये नहर ये जा रही है ये सामने। दोस्तों, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो घाट है, ये वाला जो किनारा है, ये मुजफ्फरनगर में लगता है। और मैं आपको दिखा दूं,